हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, आज हम सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैप्रोफाइट्स, मृत जीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने बाजार में मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. आपने वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों और तनों या छालों पर छाते जैसी संरचनाएं देखी होंगी। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार के पोषक तत्वों की उन्हें आवश्यकता होती है और वो उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स अक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो ये जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स टू। इनके पास तो जंतुओं के समान मुख भी नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ना ही ये हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। एक्टिविटी 1.2, क्रियाकलाप 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। ब्रेड का एक टुकड़ा लें और उसे पानी में भिगो लें। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। और उन्हें नम और उष्ण स्थान पे 2-3 दिनों के लिए रख दें या उस समय तक रखें जब तक कि उसमें रोई जैसी संरचनाएं दिखाई ना देने लग जाएं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन रोई जैसी संरचनाएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप या किसी आवर्धक लेंस के द्वारा देखें। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक और अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखें। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे कि रुई जैसे धागे जैसी संरचनाएं उस पर उत्पन्न हुई है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी पोषण विधि अलग प्रकार की होती है। दे एब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये अपना पोषण ब्रेड से प्राप्त करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को जिसमें कि जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। और ऐसे जीवों को मृत जीवी कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े या अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और वर्षा ऋतु में ये बहुत सी वस्तुओं को खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावकों से कवक के द्वारा होने वाले नुकसान की चर्चा करें। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। सामान्यतः जो कवकों के बीजाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. जब ये किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पे बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक उत्पन्न करते हैं। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्वों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं।
दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस तरह का जो उनका संबंध है उसे हम सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी संबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, उदाहरण के तौर पर कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, पौधे फंगस को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और बदले में फंगस जल और पोषक तत्व पौधे को प्रदान करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं जिनमें से एक शैवाल होता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और दूसरा कवक। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। इनमें जो कवक है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, कवक शैवाल को रहने का स्थान जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जबकि बदले में शैवाल फोटोसिंथेसिस के द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहेली को याद है कि उसके जो सुंदर जूते जिन्हें वो विशेष अवसरों पर ही पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो ये जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में अचानक कवक कैसे प्रकट हो जाते हैं। बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। बूझो को याद है कि एक बार उसके दादाजी ने बताया था कि उनकी गेहूं की फसल कवक के द्वारा नष्ट हो गई। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉज डिजीजेज ऑल्सो, बूझो जानना चाहता है कि क्या फंजाई बीमारियां भी फैलाते हैं। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल बट सम फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं लेकिन कुछ कवक पौधों जंतुओं और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। आज हमने यीस्ट मशरूम के बारे में पढ़ा, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।